We are all proud to celebrate this day because it unites we Indians under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister in 2015. On this day, 21st June, it was decided that the whole world is going to celebrate this day as International Yoga Day. And we are very happy that to mark this occasion, our Honorable Prime Minister is in US. Almost all the countries of ENO is there, have joined in this celebration in USA. In fact, इसका बारे में जब सोचेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, हमको गर्व भी होता है. We are proud of it that we are Indians. We have given this concept to the whole world. Yoga concept is born in India. It was there, it is there, and it will be there. And now the importance of yoga practices is realized in every walk of life, especially in our country. It was practiced by many people in different walks of life, but this movement was intensified by Ramdev ji in his Patanjali Peeth, and it is now spread not only in the country but it is in the world. If we look at macro level, a revolution has taken place in the world. And if we look at the micro level, at the individual level, I personally feel we should make it a part of life. Because what is yoga? It's we have to combine the mind and body, which is very important. Even the doctors, big doctors, globally established doctor confess this fact, that if we can join these two elements of a human being, then we can do and undo anything under the sun, but which is practically very difficult. And if you do not practice, jaise log kehte hain main sanyasi banna chahta hu, overnight kabhi koi sanyasi nahi ban sakta. और एक लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ में, जैसे हमारा उम्र में हम सन्यास बनने के लिए कोशिश करेंगे, सन्यास लेने के लिए कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है.
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम योग ना करें, योग छोड़ दें। जब से रामदेव बाबा ने अपना योग का बारे में देश में विदेश में बात किया, जैसे अभी शर्मा जी करे देश में कि सुनामी आ गया था योग का बारे में, इट इज ए ट्रूथ। एटलीस्ट ए कॉन्शसनेस डेवलप अमंग द पीपल दैट इट इज समथिंग व्हिच कैन बी अडॉप्टेड एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। And those who started and those who are continuing that practice, कुछ लोग छोड़ते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन टाइप का है। इनिशियली व्हेन एवर यू टेक होम्योपैथी मेडिसिन, उसका इम्पैक्ट जो आपका जो प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, लेकिन ग्रेजुअली वो समस्या को कंट्रोल करता है। एक्चुअली शरीर को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी मेडिसिन होता है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेडिसिन दुनिया में है वो टेम्पररी है। और उस पार्ट ऑफ द बॉडी, द साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ योग एक ऐसे मेडिसिन है जिसको लगातार प्रैक्टिस करने में, होम्योपैथी मेडिसिन टाइप का प्रैक्टिस करने में, हम अपना मन को कंट्रोल करते हैं, हमारा मन ठीक रहता है, मेंटल हेल्थ बिकम्स गुड। व्हेन अवर मेंटल हेल्थ बिकम गुड, फिजिकल हेल्थ बिकम ऑटोमेटिकली गुड। इसलिए इस साल का इंटरनेशनल योग डे को उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम कंसेप्ट देके जो सेलिब्रेट कर रहे ग्लोबली, जिसमें यूएनओ का सभी मेंबर आज उपस्थित है उस इस सेलिब्रेशन में, हमारा प्रधानमंत्री का साथ, हम इस देश का नागरिक होने का नाते हम लोगों को गर्व करना चाहिए। हम लोग ये प्रैक्टिस शुरू नहीं किए हैं तो हम लोग ये प्रैक्टिस शुरू कर देना चाहिए। सुनर और लेटर यू विल रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ। इट हैज मेनी एडवांटेजेस इन लाइफ एंड वी हैव टू, बिकॉज कभी कभी रामदेव बाबा कहते हैं जीवन एक उत्सव है, उस उत्सव के लिए, उत्सव में हम लोग कुछ समय अपना, हम अपना के लिए देना चाहिए। वी शुड गिव सम टाइम फॉर आवर सेल्फ। ये जो गिविंग सम टाइम फॉर आवर सेल्फ, हम लोग इसके लिए टाइम, आज कितना लोग प्राणायाम किए हैं कि योग किए हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ रिलेटिवली आई स्पेंड लेस टाइम टुडे बिकॉज मैं थोड़ा सा और कुछ देख रहा था, उसमें टाइम लग गया। जब हुआ तो आई स्पेंड अराउंड 20-25 मिनट्स। आई डू ए लिटिल बिट ऑफ योग, जाई कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड टू थ्री मोर यू नो प्रैक्टिस आई डू, बट डिपेंडिंग अपन द टाइम आई डू इट। एंड आई, इफ आई डू नॉट डू इट, आई फील दैट आज का दिन में कुछ कमी रह गया। मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल बिकॉज आई एम ए डायबिटिक, बट दिस मेडिटेशन, योग इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ विथ फिजिकल एक्सरसाइज यू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, then that builds a better life, better mindset, better health. इसके इसलिए हम उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे आज से, ये लोग सोचना आज से हमको शुरू करना चाहिए। और यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, यू इफ यू वॉन्ट टू हैव ए हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल बिफोर अस टू स्टार्ट इट एंड लीव ए हैप्पी लाइफ। वंस अगेन I wish you all a very happy International Yog Day. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. Now we will start. Om Shvanga Shvatham Shvangvadattham Shango Manansi Janatam Shangashatam Shangvadatam Shango Manansi Janatam Deva Bhagam Yatha Purvi Shanjanana Upashate। इसका अर्थ है कि हम सब एक साथ चले,
आत्मा में संवाद करें, हमारे मन एक हो। जिस प्रकार पहले के दिन विद्वान लोग अपने नियत कार्य के लिए एक होके चलते थे, उसी प्रकार हम भी साथ में मिलते रहे। तो अब हम ज्ञानेंद्र जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा योगा प्रोटोकॉल शुरू करें और हम उनके साथ चयन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। सुप्रभातम रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर, रजिस्टर सर, कंट्रोलर सर, फैकल्टी मेंबर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, स्टूडेंट्स एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई विश यू ए वेरी हैप्पी 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 एंड आई थैंक एवरीवन स्पेशली इंद्रणी मैम फॉर इनवाइटिंग मी। आज आम नवम आंतराष्ट्रीय योग दिवस उपलक्षे सकते ये मिलित और विश्वविद्यालय एक परियालर आम अंशीदार हमले पाए निजे अति धन्य मानी और बहुत आनंद अनुभव करो। तो आम आज बेलेग विषय नग इतना आम योग अभ्यास आगवाड़ी। तो आम सको इतना सजु हम प्रथम थियो थियो हर आम आरम्भ कर फीट कम्फर्टेबली एपार्ट नाउ होल्ड योर वेट ब्रीथ इन अप फेस अप नॉर्मल ब्रीदिंग नाउ होल्ड 1 2 3 4 5 ब्रीद आउट मिडिल अगेन ब्रीद इन डाउन जो सर्वाइकल स्पन्डिलिटिस थे ना 1 2 3 4 5 मिडिल अगेन लास्ट वन ब्रीद इन अप होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 मिडिल अगेन डाउन 1 2 3 4 5 मिडिल नाउ टर्न टू राइट साइड इनहेल 1 2 3 4 5 एक्सहेल मिडिल अगेन लेफ्ट साइड टर्न टू लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 मिडिल अगेन राइट साइड 1 2 3 4 5 लास्ट वन लेफ्ट साइड 1 2 डिंग अनुभव लगे 3 4 5 डिंग विषय कारण भल। नेक्स्ट आम क्लक वाइज हाफ रोटेशन हाई प्रेसार थे हाफ रोटेशन 1 जीवन लाइन कमप्लीट फुल रोटेशन 2 3 स्लोली 4 5 नाउ रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2 फुल नेम नाउ फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर रोटेट 1 स्लोली 2 3 5 टाइम्स 4 सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के लिए बहुत अच्छा है ये, शोल्डर पेन के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा है, एंटी क्लॉकवाइज का 1 2 1 2 3 4 5 लेकिन नी पेन होने से नहीं करना चाहिए, इसका नी पेन रहता है वो नहीं करना है। इंटर योर फिंगर्स इज अप नॉर्मल ब्रीदिंग अप स्टोमक इन सेस फॉरवर्ड फाइन स्पेस अप नॉर्मल ब्रीदिंग 10 सेकेंड
One, two, three, elbow straight, look straight, four, five, six, seven, eight, nine, ten. बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए मसल लिगामेंट में अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम करेंगे मध्यम गति चक्रासन, फिर रिड्यूस होता है सामने वेरिएशन बहुत है इसका, लेकिन हम एक वेरिएशन करेंगे। वन इनहेल टर्न टू राइट साइड, एक्सहेल रिड्यूस लेफ्ट साइड, इनहेल मिडिल, एक्सहेल मिडिल, again right side, exhale, breathe. Next session हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन कोई नहीं, साइड पर पैर रिड्यूस है, मेरिडियन तो फ्लेक्सिबल होगा, स्पाइन फ्लेक्सिबल होगा, टू थ्री फीट अपार्ट, ज्यादा बैक पेन होने से नहीं करना है, दोनों हाथ ऊपर, स्लोली डाउन, होल्ड योर राइट एंकल, राइट फुट पहले ये राइट फुट आउटसाइड होगा, लेफ्ट फुट इनसाइड होगा, राइट फुट आउटसाइड, लेफ्ट फुट इनसाइड, अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, एक एक लाइन में होगा, और अभी दोनों हाथ ऊपर, अभी धीरे धीरे जो पेड़ आउटसाइड है उस वो पेड़ को हम होल्ड करेंगे। होल्ड योर राइट एंकल एंड लेफ्ट हैंड में हमें बाव हाथ धोले, बाव कमर धोले, होल्ड योर वेस्ट, नाउ मूव योर ट्रंक, एलाइनमेंट भी करें, बोथ हैंड्स आर इन वन लाइन। বাহিৰৰ যিবিলাক গ্যাম্বীৰ আছে, মেকফাৰ্ডেন কিবা কিবি, তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতীয় আসনবিলাক কৰিলে কিয় ইয়ং হৈ থাকে। তেওঁলোকে এটা বস্তু পৰীক্ষা কৰি পালে যে ভাৰতৰ আসনবিলাকত স্পাইনটো ফ্লেক্সিবল হোৱা আসনবিলাক কৰে, যেনেকৈ বেক বেণ্ডিং, ফ্ৰণ্ট বেণ্ডিং, ছাইড বেণ্ডিং, আৰু ৰহস্য সেইটোৱেই যে মেৰুদণ্ড যেতিয়ালৈকে নমনি হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি এক্টিভ আৰু ইয়ং হৈ থাকিম। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কিছুমান এক্সাৰচাইজ সৃষ্টি কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো স্বীকাৰ কৰে যে এইবিলাক ভাৰতীয় আসনৰ সমকক্ষ নহয়। তো আমি সেইকাৰণে মেৰুদণ্ড নমনীয় কৰি ৰখাত গুৰুত্ব দিম। নেক্সট আমি অৰ্ধ চক্ৰাসন, হোল্ড ইয়ৰ ৱেষ্ট, নি ষ্ট্ৰেইট, টোজ এপাৰ্ট, নাও স্লোলি, এটা হাইপাৰ্ট্ৰফি থাকিলে কৰিব নালাগে, কিন্তু হাইপাৰ্ট্ৰফি হ'লে সেই নেই কৰা হয়, নাও স্লোলি বেগ এজ ফাৰ এজ পচিবল, নি ষ্ট্ৰেইট, মেইনটেইন, ওৱান টু, স্পাইন ফ্লেক্সিবল ৰহেগা, থ্ৰী करेक्ट कर दीबा गिटो मने, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स। दंडासन सकले बहिब, सिटिंग दंडासन, इतिया थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाना है, रोटेट करना है, ये लेग पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। वन, कोई भी पेन, नी पेन, टू थ्री फोर फाइव, एंटी क्लॉकवाइज, वन टू। अभी हम वज्रासन करेंगे, लेकिन जिसका नी पेन रहता है वज्रासन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टुगेदर, नेक्स्ट वी विल डू उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, हाफ, जिसको उष्ट्रासन नहीं होता है हाफ करेंगे, ऐसे एज मच एज पॉसिबल बेन, जितना हो सके बैकवर्ड बेन कीजिए, होल्ड कीजिए, वन, और जो जिसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है राइट हैंड अपर हैंड राइट हील, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील, हाई प्रेशर होने से नहीं करना है, सीवियर बैक पेन होने से नहीं करना है। वन टू थ्री फोर नाइन टेन रिलैक्स। थायराइड ब्लड स्टिमुलेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है, स्पाइन फ्लेक्सिबल रहता है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, इसे भी थी हमारे जैसे। नेक्स्ट हम करेंगे ससंग आसन,
शशांक का आसन प्रोटोकॉल का हिसाब से आप कैसे कीजिए स्लोली डाउन कोशिश कीजिए इसका जितना फ्लेक्सिंग दी लेकिन बेंदे ही जाना है आप स्लोली आप एब्डोमिनल फेट रिड्यूस होगा ये करने से और बहुत बेनिफिट्स है इसका। नेक्स्ट वक्रासन करेंगे हम। ओपन योर लेग्स पहले पूरा दोनों पैर सामने द्विकोण भूरी आगो दिखो राइट हैंड राइट लेग बेंड बाव हाथे जाने को होल्ड योर नी राइट नी ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ ट्विस्ट योर राइट साइड फोकस योर आईज ऑन योर बैक कमर में आपका गलत हो रहा है इस हाथ से कीजिए सेम लेग सेम हैंड नहीं इस हाथ से इखन हाथे करो इखन को बाव हाथे करो हाँ और इसे देखिए और फील कीजिए स्पाइन में ट्विस्ट हो रहा है और स्ट्रेचिंग हो रहा है दादा इखन आते बोले हाँ इकाले सब होल। डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है ये लीवर फैटी लीवर के लिए अच्छा है पेट का फैट रिड्यूस होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up, relax, leg sends, इससे से भी करेंगे हम। इस बार hold your left knee, twist left side, focus your eyes on your back, हाली जाबो ना लगे body तो, सीधा होए थकी बो body तो, हाथ कौन तेल बनो रसोल रखी बो, left hand तो तेल बनो रसोल আৰু দৃষ্টি পিছফালে চাব রিলেক্স এইটো 30 সেকেন্ড কৰি মিনিমাম মানে যিকোনো আসন আৰম্ভণিতে আমি 30 সেকেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আচলতে আমি এটা একদম কম কৰি আছোঁ 10-20 সেকেণ্ড এইটো 30 সেকেণ্ড মিনিমাম 1 মিনিটৰ পৰা 2 মিনিটলৈকে পাৰি এটা আসন যেতিয়া আমি 2 মিনিট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া সেই আসনটো সিদ্ধি লাভ কৰা বুলি কোৱা হয় যদি কষ্ট নোপোৱাকৈ যদি আসনটোত আমি 2 মিনিট থাকিব পাৰোঁ। নেক্সট আসন আমি সুপাইন পোজ পেপেলাইজ উইদিন লায়নিয়ার স্টমাক অনিয়র আর লায়নের কাট রিল্যাক্স করো ভালো সময় রাখি নর্মাল শ্বাস কপাল ফল বাইরে রাখাবো ভরিয়া বলি বাইরে কল ওগাই থাকে এনেকে আউটওয়ার্ড পড়তু সাইড অফ ভরি পজিশন নেক্সট আমি করব যাই আছো ভুজঙ্গাসন কোবরা পোজ কি হব মেরুদণ্ড নমনীয় হব হাপর নিচে দেখা যাব আমি ইজিটো করি তরল বুঝার কাছে প্লেসিয়ার পা মনিও সোজা লেভেল অপর মার আগত রাখিব দিকতো সুদেটা ঘড়িটা বলি পারিতে একলগে রাখিব চেষ্টা করিব যার দিমান কি কামল কর নাও ব্রিথ ইন স্লোলি আপ আপ টু লেভেল হোল এনে মই জেনেকে কৰিছি তাকে কৰা কিন্তু পিছত কৰিম আকো এলবোস এলবোস সাপোর্ট তো হয় ভালো বুঝা নহয় সকলে বলো পারি হয় রাইট রেঙ্গে তো বনে বাইরে পা কারো পড়া সমস্ত ডেভেলপার বাইরে হার্নিয়ার বাইরে প্রায় সকল পেশেন্টে বলো পারে মেরুদণ্ড ফ্লেক্সিবল হবে পেটের সবই কমিব 1, 2, 10 রিল্যাক্স আমি একদম অলপ অলপ সময় কৰি আছো বেছি সময় কৰা নাই 10 সেকেন্ড আৰু এবাৰ কৰিম এইটো এইটোতকৈ অকণমান টান হ'ব ভুজংগাসন